7 मई 2020। हवा धीमे तमाम थी, लेकिन कल पेड़ गिर गए थे। कोयल बोल रही, क्योंकि मैं इसे नहीं चिढ़ा रहा हूँ, ये बंदर ख़त्म हुआ यहीं पर पिंजड़ा तोड़ करके। उसका कितना गम है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कष्ट है, यहीं पर पिंजरा रखा हुआ, मचरा मजबूत पिंजरा, और कोना तोड़ करके पता नहीं कैसे क्या हुआ है, वो भी 1 घंटे के अंदर सारी घटना घट गई है। ये सब इसलिए हम इसको चिढ़ा नहीं रहे हैं। मन बड़ा उद्विग्न है, ये सब सोचे थे कि वो बड़ा होगा तो अंगूर इसमें तोड़ तोड़ के वो खाएगा। ये सब अंगूर लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, अंगूरों से लदा हुआ है, ये देखिए सब। लेकिन होनी के आगे जो है कुछ नहीं, होनी के कारण ढूंढना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कि होनी की बात अच्छा खासा था, तो इसलिए चढ़ाई चढ़ाना, हंसी मजाक कुछ भा नहीं रहा है। यही पिंजरा रखा हुआ था, और महज 1 घंटे की बात। और श्रीमती जी के लिए तो जिंदगी भर के लिए हमको जितनी नफरत हो गई, अरे छोटा सा बच्चा है, हैं तो जा कुछ भी हो वो गोद में आके छुपता, लेट जाता है, थोड़ा उजाला होता, पूरा परिवार अंदर घुसा हुआ। देखिए कितना मजबूत टाइप के बना था और कैसे टूटा, देखो। ससुरा गले का पट्टा, महा हत्यारा पट्टा, ये देखो यहाँ थोड़ा मजबूत बना हुआ, और चारों तरफ से कुत्ता जो है खींच खींच करके, ये देखो ये जाली थी। अब इसमें बांधने की जो भी रही हो उस यहाँ यहाँ नहीं ठीक से बंधा था, कोने में ये पतले से तार से बंधा रहा होगा, इसी को इसने कुत्ते ने पकड़ के दांत खींचा होगा यहाँ वहाँ, और घबराहट में यहाँ बाहर निकल के आया, पकड़ के उसने खींच लिया। सब इसमें रोए हुए लगे थे, क्या करें, इसने झूला वाला नाती ने बना दिया था उनके लिए। ना भयानक कष्ट होता है, क्या बताएं भगवान। हमने कहा चलो भैया, इसीलिए धड़ाधड़ हम वो करें, क्या बोलते हैं, भोज करते रहें उनके नाम से, जहाँ उसकी आत्मा हो उसको पुण्य मिलता रहे। आज अमित शाह जी के नाम से हमारा रोजाना भोज चलेगा, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, वो लोग पहचाने या न पहचाने, वो लोग बाबा की कदर जाने या न जाने, हम अपना काम करेंगे, हम अपना फर्ज निभाएंगे, और बाकी भैया वो लोग जाने, उनका काम जाने, हम क्या बताएं। अब यहाँ पर हमारे देश में यही बड़ी कमी है कि किसी सही काम करने वालों की कोई कदर नहीं होती है। वो उनको पर आरोप लगाएंगे, उनको ऊपर आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप, बस। ये हमारी देश की सबसे बड़ी देन है। इतना बड़ा काम मोदी जी ने, योगी जी करके दिखा रहे हैं, ये देखिए इसको तोड़ देना चाहिए है ना, ताकि जाड़े वाला फल जो है इसमें जाली आवे, बरसाती फल है ये, बेकार हो, वही लाल सेब टाइप का अमरूद है ये। समय नहीं मिलता, निकल नहीं, सब अमरूद लगा दे, सीढ़ी लगाऊ में, इधर लगाऊ में, यहाँ सामान सब रखा है कबाड़ पबाड़ बेचने के लिए। अब यहाँ जाएं सीढ़ी पर चढ़ें तो कुछ तो इनको तोड़ें सबको, तब ये जाड़े में फलेगा। कोयल जो है चाह रही कि उसको कोई चढ़ाए, लेकिन मन बड़ा उद्विग्न है हमारा, बहुत इतना दुख है कि जो गुड़गांव वाले पांडे जी ने यही कहा, कहें बाबा हफ्तों पंद्रहियों आपको मन आपका बड़ा वो रहेगा, क्या करें। चलें थोड़ा मणि पुष्प आपको दिखा दें हम, ये मई में निकलता है, इसको मई फ्लावर भी कहते हैं,
सब अकेले ही तो हम कर रहे हैं, यहाँ कोई माली नौकर थोड़े लगा। वो पियक्कड़ आता है, भैया जरा ये गोबर वहाँ रख दो, जरा ये ईंटा वहाँ रख दो, जरा ये टीन खसक गया है इसको बांध दो, बस। वो थोड़े पेड़ पौधे के बारे में कोई जानते हैं। वो रामायण भी लगाते हैं तो कोई चीज में मन नहीं हमारा लग रहा है। ये मणि पुष्प है, एक निकल रहा है उस गेंदों को भी किनारे करें, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल चुका है। मणि पुष्प मई महीने में, ये मई के अंदर रहेगा। कोई अगर बाद में कोई दो ही पेड़ यहाँ लगाए थे ताकि आसानी से हो जाए, देख रहे हैं यही मणि पुष्प है। इसी फूल को कहाँ से मंगा के उगा करके, कहाँ कहाँ कलकत्ते से, अरे बड़ी जद्दोजहद करके इसको मंगाया था। और यहाँ मणि देवी नाम की देवी है, मंदिर है मणि देवी, मड़फी बोलते हैं, मणि मणि देवी, मणि देवी के मंदिर में पुष्प चढ़ाया था। उस जमाने का फोटो मेरे पास रखा, उस समय वीडियो नहीं था, फोटो वाला कैमरा था। तो ये बचपन से ही इच्छा थी कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी होती है प्रकृति। हम देश को ज़्यादा वो नहीं ध्यान देते हैं, देश 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 में, देश के अंदर देख तो रहे हैं सब, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, उसी में सुराग कर रहे हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको बुराई निकाल रहे हैं, अपनी बुराई नहीं बता रहे हैं कि जो नहीं तो मुँह उखाड़ पाए, जीवन में कुछ नहीं कर पाए, और उसको मोदी योगी ने करके दिखाया और फिर भी उनकी बुराई। इसलिए हमको आदमी जात से ही बड़ी घृणा है। इतने गद्दार, इतना दो पैर का जानवर गद्दार होता है कि भाल न पूछिए आप, इतनी घृणा हो जाती है। अरे राम चले साहब, अब इतने दिनों के बाद जाड़े में लौकी तो नहीं हुई, वही डे फ्लावर है ये देखिए, ये देखिए छोटे है ना, सफ़ेद सफ़ेद दिन में तारे के जैसे, पूरा भर जाएगा ऊपर, डे फ्लावर ऐसे। खैर भोंपू टाइप का है, जाड़े में एकदम गायब हो जाता है ये, और फिर से निकल रहा है, पानी मिल रहा है ना इस समय इनको, क्योंकि बारिश बारिश जैसा माहौल है। देख रहे हैं मणि पुष्प आपने देखा, लौकी भी एक ऊपर लगी हुई है, एक ये है, जाड़े में नहीं फली, गर्मी में इसने फल देना शुरू किया। अब इन चीज़ों को बहुत खाद पानी चाहिए, बहुत तगड़े में, और यहाँ पेड़ों के बीच में। ठीक है साहब, क्या हम जितना दिखा रहे हैं, लेकिन मन तो हमारा रो रहा है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है कि भगवान उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी, पिंजड़े से किस तरह कुत्ते ने खींचा होगा, चिल्लाया होगा, तौबा होगा। ऐसे कमरे में हम पिंजरे में रखे, उस कमरे में एक पापी पापी दिखाई पड़ गया फेसबुक पर। अरे हमने कहा 6 बजे का तो उजाला होगा, तो बंदर भोज के लिए निकलेंगे। इसी कमरे में वो पंखे की आवाज में उसमें और चीखा चिल्लाया होगा आंगन में, बूढ़ा हमारी मौत आ गई इनकी, जो कह के भन भनाने लगी। अरे भाई गोद में चिपक के लेट जाता थोड़ी देर, बच्चा था, हनुमान जी आए थे गोद में इनके, इसीलिए तो आदमी भोगता है। कभी पाप मत करो, एक छोटा सा पाप करोगे वो पाप तुमको बढ़ाता रहेगा। ये देखो ये हो गया बंदर भोज के लिए चना, ये रोटी इसके अंदर। अब रवानगी हो रही हमारी, ये कपड़ा उपड़ा सब अलग रखा हुआ, बस कपड़ा पहन के निकल पड़ेंगे। ठीक, जय श्री राम, 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 जय श्री राम।